नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ वो है वैल्यू एडेड सर्विसेज। अब दोस्तों, ये वैल्यू एडेड सर्विसेज तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझे सर्विस क्या है। और जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में सर्विसेज की, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? हमारे सबके दिमाग में ख्याल आता है कि सर्विस का मतलब है प्रीमियम टाइमली रिमाइंड कराना, प्रीमियम टाइमली कलेक्ट करना, फिर प्रीमियम की रिसीट क्लाइंट को देना, कभी सरेंडर की ज़रूरत हो तो पॉलिसी सरेंडर करा देना, कभी लोन की ज़रूरत हो तो पॉलिसी लोन दिलवा देना, यही होता है ना दोस्तों। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये लगता है कि कभी पॉलिसी में नॉमिनेशन असाइनमेंट कुछ चेंज कराने की या चेंज ऑफ एड्रेस की रिक्वायरमेंट है तो वो करवा देंगे। तो ज़्यादातर इंश्योरेंस एजेंट्स मुझे यही बोलते हैं कि सर इस तरह की सर्विसेज हम देते हैं। दोस्तों, ये सर्विसेज तो ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट दे रहे हैं, तो आप कैसे डिफरेंट हैं? ऐसी क्या वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जो अगर आप क्लाइंट को बताएं या आप क्लाइंट को दें तो क्लाइंट आपका मुरीद हो जाए, क्लाइंट आपको आपके परिवार का हिस्सा मानने लगे, क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, शायद उनमें से कोई पॉइंट आपके काम आ सके तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब हो गया। तो दोस्तों, ऐसा ही एक पॉइंट है प्रे, यानी कि मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि कस्टमर्स के साथ मैं कनेक्टेड रह सकूँ। अब दोस्तों, ये मेरी रेगुलर प्रैक्टिस बन चुकी है कि मैं कहीं पे भी किसी भी मंदिर या टेंपल में जाता हूँ, वैष्णो देवी जाता हूँ, शिरडी जाता हूँ, गोल्डन टेंपल जाता हूँ, तो वहाँ बैठ के कस्टमर के लिए, कस्टमर की फैमिली के लिए, उनके परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए प्रे करता हूँ। और सिर्फ प्रे नहीं करता, वहाँ पे बैठ के मैं क्लाइंट को मैसेज करता हूँ कि सर मैं इस पर्टिकुलर मंदिर में हूँ और मैं आपके और आपके परिवार के लिए प्रे कर रहा हूँ। दोस्तों, कस्टमर कनेक्टेड फील करता है। और इट्स नॉट अबाउट कनेक्शन, इट्स नॉट अबाउट सेल्स, क्लाइंट ही तो है हमारे लिए, क्लाइंट ही तो सब कुछ है हमारे लिए। आप सोच के देखिए, उन्होंने जो पॉलिसी ली उन्हीं के कमीशन से तो हमारा घर चलता है दोस्तों, वो आगे जो रेफरेंस देते हैं और वो लोग पॉलिसी लेते हैं उन्हीं से तो हमारा घर चलता है दोस्तों, उन्हीं के साथ तो रिलेशनशिप बनता है। पूरे दिन में हम ज़्यादातर टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपना कस्टमर्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों, उनके परिवार का हिस्सा बनने की बात है, तो मैं प्रे करता हूँ उनके लिए। दूसरी चीज़ जो वैल्यू एडेड सर्विस मैं मानता हूँ, मैं उनके बर्थडे और एनिवर्सरीज पे विशेस देता हूँ। दोस्तों, ये प्रैक्टिस ऐसी है जिसे कई सारे इंश्योरेंस एजेंट, हो सकता है आपने भी चालू किया हो, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट इसे चालू करते हैं और उसके बाद 3 महीने, 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसे बंद कर देते हैं, यानी तब तक तो वो रेगुलर उनको विशेस देते हैं, उसके बाद वो विशेस जानी बंद हो जाती हैं। दोस्तों, इसका एक सिस्टम बनाइए, इसके लिए या तो कोई सॉफ्टवेयर खरीदिए जो SMS कर सके क्लाइंट को उनके बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे, या किसी टेलीकॉलर को रखिए जो आपके बिहाफ पे कस्टमर को कॉल कर सके और उन्हें विश कर सके। तो बर्थडे और एनिवर्सरी भी वैल्यू एडेड सर्विसेज में आते हैं जो बहुत कम इंश्योरेंस एजेंट दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो पॉइंट बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये वैल्यू एडेड सर्विस को समझने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी भी आम आदमी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं अपने ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मान लीजिए मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है और मान लीजिए मेरे घर में मेरी वाइफ है और मेरा बच्चा है। अब दोस्तों, मैं क्लाइंट को अपने माध्यम से ही समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कस्टमर को हम उनके ऊपर बोलें तो कई बार वो रिलेट नहीं करते, कई बार उन्हें लगता है वो अपोज कर जाते हैं कि मैं अगर मरा तो क्या होगा। तो ज्यादातर अच्छा तरीका यह रहता है कस्टमर को इंश्योरेंस बताने का कि आप अपने ऊपर लेके बताएं, तो मैं कस्टमर को ज्यादातर ये अपने ऊपर लेके बोलता हूं। अब दोस्तों, मान लीजिए मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, मेरी वाइफ है और मेरा एक बच्चा है, और मैंने ये प्लानिंग की हुई है कि कल को भगवान ना करे मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो मेरी वाइफ को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, उस 1 करोड़ रुपए को वो 7% ब्याज पे यानी 7 लाख रुपए सालाना पे बैंक में रख देंगी और 7 लाख रुपए से सेम मेरे बच्चे की एजुकेशन चलती रहेगी, मेरे घर में मैं जिस गाड़ी को मेंटेन कर रहा हूं वो मेंटेन होती रहेगी, मेरी वाइफ को कहीं पर जॉब नहीं करनी पड़ेगी, इस माइंडसेट के साथ मैंने इंश्योरेंस ले लिया। अब कस्टमर को बोलिए, जब आप कस्टमर को ये बात बता रहे हैं तो कस्टमर अपने साथ कनेक्ट कर रहा है, अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा है, अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। सर, मैं क्वेश्चन करता हूं दोस्तों, मैं क्वेश्चन करता हूं क्लाइंट से कि सर मान लीजिए मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हुई और 1 करोड़ रुपया मेरी वाइफ को मिल गया। अब 1 करोड़ मेरी वाइफ को मिल गया और माय वाइफ इज यंग, पॉसिबिलिटी है 1 साल 2 साल 5 साल में उनकी जिंदगी में कोई आए, पॉसिबिलिटी है, और मेरी फैमिली भी यही चाहेगी कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अब 1 करोड़ रुपया उनके साथ चला गया, अगर वो 1 करोड़ रुपया वहाँ उनके साथ चला गया तो उस केस में मेरे बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या? दिस इज़ क्वेश्चन मार्क नंबर 1।
दोस्तों लीगल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कस्टमर को बताइए कि सर आपकी वाइफ भी अच्छी है, मेरी वाइफ भी अच्छी है, कभी कुछ नहीं होगा, पर जो लीगल एस्पेक्ट्स हम मार्केट में देखते हैं, इंश्योरेंस एम्बेसमेंट में जाते हैं, देखते हैं, कोर्ट्स में देखते हैं, उनकी बात करते हैं कि इन लीगल एस्पेक्ट्स को किस तरीके से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जा सकता है। और ये बात दोस्तों विश्वास मानिए, कोई भी इंश्योरेंस एजेंट कवर नहीं कर रहा, ये बात कोई भी इंश्योरेंस एजेंट अपने कस्टमर से नहीं कर रहा कि सर अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई और पैसा उनके साथ चला गया, उस केस में मेरे बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या? दिस इज क्वेश्चन मार्क नंबर वन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, मान लीजिए मेरी वाइफ भी है, मेरे नाम का 1 करोड़ का कवर है और मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ मेरी गाड़ी में 7 वाली सीट पे होती हैं, सर मान लीजिए कल को कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है और मेरे साथ मेरी वाइफ भी चली जाती हैं, वो भी नहीं रहती, अब पॉलिसी में नॉमिनी कौन था? मेरी वाइफ थी, टाइटल ओपन हो गया, अब सर उस केस में मेरा बच्चा माइनर है, माइनर के नाम का चेक नहीं बन सकता, तो उस केस में मेरे बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या? दिस इज क्वेश्चन मार्क नंबर टू। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि सर मान लीजिए मेरी मदर गार्जियन बन के जाती हैं और कहती हैं ये 1 करोड़ रुपया मुझे दे दो, LIC उन्हें 1 करोड़ रुपया दे देगी, पर मेरा क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए मेरी मदर का मेरे भाई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और मैं कहता हूं मेरा भाई दारूबाज है, जब तक मेरा बच्चा 18 साल का हुआ तब तक उसने वो पैसा ही उड़ा दिया, उस केस में मेरे बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या? दिस इज क्वेश्चन मार्क नंबर थ्री। चौथी चीज, मेरी मदर भी बहुत अच्छी है, मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, वो किसी तरीके से उस 1 करोड़ से मेरे बच्चे को पालते हैं और जैसे ही मेरा बच्चा 18 साल का हो जाता है वो उस 1 करोड़ रुपए को मेरे बच्चे के हाथ में रख देते हैं कि पकड़ अपने माँ बाप की अमानत। और दोस्तों अब मेरा आपसे ही सवाल है कि अगर 18 साल के बच्चे के हाथ में 1 करोड़ रुपया आएगा तो उसकी ज़िंदगी आबाद होगी या बर्बाद हो जाएगी? बहुत चांसेस हैं कि बर्बाद हो जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका मिस यूटिलाइजेशन हो जाए, वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों ऐसे केस में मेरे बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या? अब जब ये सवाल मैं अपने क्लाइंट के सामने रखता हूँ, अपने ऊपर लेके रखता हूँ, तो वो अपने साथ रिलेट करता है और मैं उससे पूछता हूँ कि सर अब बताइए कि आपने आज से पहले 4 इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ डील किया, आप मुझे दिखाइए कि आपकी पॉलिसी में इसका क्या प्रोविजन है। इमीडिएट जब मैं ये बात करता हूँ और वो रिलेट करता है, वो कहता है यार सही बात है, ये सारे प्रोविजंस तो मेरी किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में हो ही नहीं रखे, मैंने तो नॉर्मली अपनी पॉलिसी में नॉमिनी बना रखा है या अपॉइंटी बना रखा है, मुझे तो विश्वास है कि मेरी मम्मी को पैसा मिल जाएगा, मेरे फादर को पैसा मिल जाएगा, मेरी वाइफ को पैसा मिल जाएगा, पर इन लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब दोस्तों इन लीगल एस्पेक्ट्स का सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए मैं कस्टमर को कहता हूं कि सर मेरे पैनल पे एडवोकेट काम करते हैं और वो एडवोकेट आपके लिए एक विल जनरेट करके देंगे जिसमें इन सारे के सारी चीजों को कवर किया जाएगा, हम उस केस में हर पॉसिबल एस्पेक्ट को कवर करेंगे कि अगर ये हो गया तो क्या होना चाहिए, ये हो गया तो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप इस पर्टिकुलर चीज से रिलेट कर सकते हैं और वैल्यू एडेड सर्विस में डाल सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई भी आम इंश्योरेंस एजेंट बात नहीं कर रहा। अब दोस्तों इसके साथ अगर हम वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात करें तो मैं जरूर बार बार ये बात बोलता हूं कि आप क्लाइंट की जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्या? कभी सोच के देखिए कि कभी आप उनकी लाइफ में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या? मैं कई बार कोशिश करता हूं और मेरे को बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट मेरे भाइयों से बहुत सारे फीडबैक भी आते हैं, मुझे पता चलता है कई सारे लोग कई अच्छे काम कर रहे हैं, उनमें से एक काम यह है कि एक एजेंट ने मुझे बताया कि सुमित भाई मैं क्या करता हूं, मेरे पास जितने भी अच्छे वीडियोज़ होते हैं जिसमें एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं जिनमें मोटिवेशन के बारे में बताया जाता है, मैं जिस भी किसी क्लाइंट के पास जाता हूं उसको पेन ड्राइव में रखता हूं और उनसे कहता हूं सर अपने लैपटॉप में लगाइए या अपनी पेन ड्राइव दीजिए, मैं आपके लैपटॉप में आपकी पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देता हूं। ये अपने बच्चे के साथ बैठ के जरूर देखिएगा, आपके बच्चे को इससे बहुत मदद मिलेगी, आपका बच्चा इससे जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है। अब दोस्तों ये वैल्यू एडेड सर्विस है जो आप सामने वाले की जिंदगी में ऐड कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा आप कर सकें। वैल्यू एडेड सर्विस में एक लास्ट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूं दोस्तों वो है क्लेम सेटलमेंट। दोस्तों एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट का रियल परीक्षा, उसका रियल एग्जाम कब होता है? एट द टाइम ऑफ क्लेम होता है, जब एट द टाइम ऑफ पिकिंग अप द बिजनेस बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और पॉलिसी बेच के चले जाते हैं, पर रियल में आपका और मेरा दायित्व क्या है? आप और मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट बने हैं सिर्फ कमीशन कमाने के लिए नहीं दोस्तों, हम बने हैं सोसाइटी में सर्व करने के लिए। तो कभी भी भगवान ना करे कभी भी किसी भी क्लाइंट का क्लेम आए, कभी भी किसी क्लाइंट की डेथ हो, पर अगर आपके किसी भी क्लाइंट की या आपके किसी भी नोन में किसी की भी डेथ होती है तो दोस्तों
पूरे जी जान से लग जाइए। क्लेम को सेटल कराने के लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो क्लाइंट को कभी भी एक बार भी ब्रांच विजिट भी ना करनी पड़े, उस क्लाइंट को कोई भी हैजल फेस ना करनी पड़े। दोस्तों मुझे याद है मेरे क्लाइंट का क्लेम आया था और 53 लाख रुपीज़ का क्लेम था। डिफरेंट पॉलिसीज थी, करीबन 16 या 17 पॉलिसीज थी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच की भी थी। टोटल 53 लाख रुपए का कवर था। 53 लाख रुपीज़ का कवर दिलाने के लिए, 53 लाख रुपीज़ के क्लेम मनी दिलाने के लिए उन क्लाइंट को हमने डोर स्टेप पे सर्विस दी। मैं गया, मेरे एग्जीक्यूटिव गए, हम लोगों ने जाके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में वो पेपर्स जमा किए। अगर कहीं से कोई इंक्वायरी बनी तो हमने वो इंक्वायरी भी वहाँ के असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को ले जाके वहाँ टैकल करवाई। क्लाइंट को ये भी नहीं पता कि किस किस ब्रांच से पॉलिसी थी और 53 लाख रुपये उनके घर पर पहुँच गया। और दोस्तों आप मानेंगे इसका रिजल्ट क्या निकला, उस घर से, सिर्फ उस घर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उस घर से, मतलब वो फैमिली और उनके साथ साथ उनके ब्रदर की फैमिली, इन दो फैमिली से मेरे पास करीबन 7 लाख रुपए का प्रीमियम, 7 लाख रुपीज ऑफ प्रीमियम इन वन गो, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि बाकी सब जगहों के कंपैरेटिवली पैसा तो यहीं रखने जैसा है, सिर्फ यहीं रखने जैसा है। तो दोस्तों क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे बहुत एग्रेसिव हो जाइए, वही रियल वक्त है जब हमारे को ये दिखाना है कि हमारी सर्विसेज कितनी प्रॉम्प्ट है, बाकी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के कंपैरेटिवली हम किस तरीके से बेहतर है। तो ये थोड़ी सी कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज थी, जितना टाइम अवेलेबल था मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों तक वो वैल्यू एडेड सर्विसेज पहुंचा सकूं। इन वैल्यू एडेड सर्विसेज को ऐड कीजिए अपने इंश्योरेंस के प्रोफेशन में और इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार देते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इस मुहिम से जोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स लॉट।